हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज वो दिन आ ही चुका है जिसका मुझे और आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो अभी 6:30 होने वाले, अभी मैं निकल रहा हूँ घर से मंदिर के लिए। 7 बजे हमें मंदिर पहुँचना है। तो मैं नहा धो के पूजा करके रेडी हो चुका हूँ एकदम से, और अभी हम निकलेंगे मंदिर के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने मंदिर में। तो गाइज मैं निकल रहा हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, अभी थोड़ा ठीक हुआ है। अभी मैं निकलता हूँ नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगा। तो अभी हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद हम सब निकलेंगे। ये हमारे चिराग प्रभु जी, प्रसादम की बना ली प्रभु जी, बिल्कुल अभी तो फिनिश हो चुका है सब कुछ। और कुछ प्रभु जी? बस प्रभु जी, आज सारे सारे छिड़ रहे हैं। ये भी प्रभु जी हमारे। तो अभी हमें प्रसाद हम ले लिया है, अभी हम चलेंगे। कहाँ चलेंगे? यहाँ भागवत कथा चल रही है अंदर। बिग फैन, फोटोग्राफ प्लीज। एक फोटोग्राफ के लिए अभी पेन नहीं है सर। सेल्फी आपको मैं ब्लॉग में ले रहा हूँ। सेल्फी ले रहे हो क्या? बिल्कुल प्रभु जी बिल्कुल। चल पड़ी की ये हमारे ये प्रभु जी गेट कीपर की नौकरी छोड़ के आ गए आप। आज आप गाड़ी का क्या होगा? देखो प्रभु जी ने हमारे लिए अपनी दिहाड़ी छोड़ दी। तो अभी हमारी ये बस थी, ये छोटी वाली मिनी बंदे राधा मिनी बस। ये प्रभु जी हमारे दीपक प्रभु जी ने भी लगा दिया। आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, चलिए चलते हैं। वीडियो बना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरा नाम दीपक है और बेसिकली मुझे 1.5 साल हो चुका है और मैं फिल्मों से बड़ा इंस्पायर था। पहले थोड़ा भगवान पे ठीक है, घर में भी शुरू से ही चलता है, करते हैं थोड़ा वो जो भी पूजा पाठ दिखाना। लेकिन जैसे ही वो कुछ फिल्में आई थी तो उससे मैं कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गया था। और एक तरह समाज में वही इतना सारा सब कुछ हुआ, इतना क्राइम है, छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम, रेप वगैरह हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा जो विश्वास था वो भगवान से उठ चुका था। लेकिन हमारे एक मित्र है, वो हमें यहाँ पे लेके आए थे। तो चलो कोई नहीं तो वो यहाँ ले गए। तो फिर भाई जैसे ही पता लगा कि यहाँ पे सेशंस होते हैं तो सेशंस अटेंड किए, तो पता लगा कि एक्चुअल में ये प्रकृति वर्क कैसे करती है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो उसके बाद हम दोबारा ट्रैक पे आ चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं ट्रैक पे आने की। और तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी लठ गाड़ दिए, आप बताओ लठ गाड़ दिए प्रभु जी। चलिए प्रभु जी पहुंच गए हैं भाई अपने मंदिर। हे भगवान, बस पहुंच गए भाई अपने ईस्ट ऑफ। ये अपनी वाह भाई, के पा गया प्रभु जी अपने वाले के किए। ये रही अपनी टीम, ये प्रभु जी।
अभी टेम्पल में एंट्री होगी हमारी। चेक आउट द क्राउड। प्रभु जी अभी कहाँ जा रहे हैं? प्रभु जी अभी बिजी हैं। हरे कृष्ण चिराग प्रभु, कहाँ जा रहे हैं अभी हम? नाग में नहीं प्रभु जी, वाइड एंगल पूरा अच्छे से दिख रहे हो आप। हम इन प्रभु जी को आज खीर से अच्छे से छिकाएंगे। इसके लिए इन प्रभु जी के लिए खीर का भी पत्र आगे लाए हम। बादुगंज से लेके आए। अरे खीर हमें भी पसंद है पर लेकिन ज्यादा ही है। अभी प्रभु जी हमें लेके जा रहे हैं कुछ स्पेशल जगह पे, देखते हैं। चलिए प्रभु जी। हरी बोल हरी बोल। ये टेंपल हॉल। ये हम गुप्त जगह पे आ गए हैं टेंपल की। ये हमारे पीछे पूरी सेना है, पूरी की सेना है। आज दिल को नहीं तेरा जगह है खुफिया एजेंसी। ये कहाँ आ गए हम? ये हम कहाँ आ गए? खुफिया एजेंसी। अभी हम प्रसादम खाएंगे यहाँ, यही बैठ जाते हैं। चोड़ खाएंगे अभी। अभी प्रसाद अभी चल दिए वैदिक एक्सपो की ओर। ये हमारे प्रभु जी प्रभुत्व करते हुए। क्या चीज है वीडियो में? डांसिंग संकीर्तन होता है यहाँ पे। चिराग मारिया डुबकी। प्रभु जी हमारा है मानसरोवर तालाब। मानसरोवर प्रभु जी गिराने के पूरी वो कर रखी थी आपने। मछलियां भी है प्रभु जी। यार कितना सुंदर दृश्य है। कितनी बार आ चुके प्रभु जी आप इसमें? मैं तो कई बार आ चुका, दो करता है। नहीं मतलब अकेले वैसे घूमना? अकेले। पिछली बार तो आप दीपक प्रभु जी के साथ थे ना शायद। ये यहाँ नहीं जाएंगे? पार्क जैसा लग रहा है। अभी हम वैदिक एक्सपो जा रहे हैं। डोंट इंटरप्ट महादेव। हमारे सामने है एक बहुत बड़ी विशाल भगवद्गीता। ये पूरे भगवद्गीता में आता होगा ना? कितने लोग हैं? 24। 24।
अभी जो है अभी 10 मिनट लगेगा। इससे बड़ा बुक कोई भी नहीं है, ना बाइबल है ना कुरान है, ये केवल सबसे बड़ा बुक जो है दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में है। इसका वजन जो है भगवत गीता का बुक है, इसका वजन जो है 800 kg 800 किलो, इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, 800 kg 800 किलो, पूरे पूरे पेज का जो है 4 मीटर, इसकी लंबाई जो है 2.8 मीटर है, 670 pages है, तो हम लोग डाउन करके डेली इसको चेंज करते हैं पढ़ते हैं। इसका पेपर जो है सिंथेटिक पेपर है, जो यूएसए टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, बिल्कुल वाटरप्रूफ है। ये ऐसा पेपर है जो धोने के बाद भी हजारों हजारों साल खराब नहीं होगा, ऐसा पेपर है। इसका बैक कवर जो है सेटेलाइट मटेरियल से बना हुआ है, मैटर गोल्ड कलर है, इटली के मिलान शहर में बना है। इसको बनाने में 2.5 साल का लंबा वक्त लगा है और 2 करोड़ की लागत से बना है। इसका स्टैंड का वजन है 2200 kg, जिसपे गीता रखा हुआ है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 26 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किए थे। उधर देखिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है, जो आप देख सकते हैं पिलर के अंदर जो है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट है, लिखा हुआ है 800 kg 2.8 मीटर 2 मीटर सारा लिखा। ये हमारे सारे बहादुरगढ़ के भक्त जो हमारे साथ आए हैं, ये नाम कीर्ति प्रभु जी। अभी होगा हमारा यहाँ कीर्तन। ये आ गए हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे सारे भक्त लोग आ चुके हैं। क्यों भाई दीपक जमा देंगे चिराग प्रभु जी। ये हमारे एक और प्रभु जी, कैमरे से कैमरा टकरा गया प्रभु जी। हमें उससे ही अगले जन्म का जो शरीर मिलेगा, जैसे कोई कैसे सो रहा है तो उसको उस टाइप का जैसे मिलेगा शरीर मिलेगा। ये बॉडी जो आत्मा का जो मेन उद्देश्य यही है कि ये शरीर वगैरह मरण का जो ये है इसको पार करके मेरे पास वापस आना है। लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो, सतो गुण में रहकर अपने कर्तव्य का और धर्म का पालन करना चाहिए, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। ये हमारा अरे यार चलिए, ये बंदा आपको हर जगह मिल जाएगा, ये हर जगह दुनिया के हर कोने में विद्यमान है ये। अभी हम जा रहे गिफ्ट शॉप, दीपक आज बदला लेने की सोच रहा है, इसके जूते उठा लिए थे किसी ने, ये भी चक्कर में है कोई ढंग के जूते देख के। प्रभु जी हमसे दूर दूर भागते हुए, बहुत सी सारी चीजें चल रही, अभी हमारा वापस जाने का टाइम हो चुका है। मैं भी दिखा दीजिए प्रभु जी, अभी हमारा वापस जाने का टाइम हो चुका है। हमारे हरी बोल, ये हमारा थोड़ा ही ग्रुप अभी बाकी, ये लोग आगे चल पड़े हैं भाई अपनी बस की ओर, सामान वगैरह लेके। हरे कृष्णा कृष्णा, आज तो मजा ही आ गया भाई। और
पौने छः हो गए हैं, वो रही हमारी बस शाम अभी 6 बजे। अभी हम नंगे पैर हैं, जाके अपने शूज वगैरह। वीडियो में नहीं आया पर क्या कर रहा है अनुज जी? प्रभु जी आप ही वीडियो में आए हैं, वीडियो ही आपकी बनी है। बस के आगे फोटो खींच दो आपका। नहीं प्रभु जी हटा, मैनेजर ने कहा चलिए। तो अरे प्रभु जी आप धोती पहन रखी थी आपने तो उतार दी धोती शाम को हो गया सारा नवाई धोती उधर ले अपनी। ये तो आगे रखना होगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी ध्यान रख दिया मैंने। जो आपने ये हरकत की है ना अभी ये अच्छी नहीं थी प्रभु जी। क्या कर दिया साइड बैठ गया प्रभु जी देखना। वीडियो में चेक करो कौन कहां था। चल तू बैठ जा फिर बैठेगा नू। हाँ बैठूंगा नू कितनी भीड़ा हो गया। जतिन अगर नू बैठ गया तू। नहीं प्रभु जी पीटेगा वो। ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं। चलिए आ बैठे हैं अपनी बस में। और बस में हम कर रहे हैं बहुत सारा पेन सफर। दिल्ली का ट्रैफिक तो भाई अभी रिफ्रेशमेंट चल रही है हमारी। अरे बाय अजय प्रभु जी वो रहे हमारे अजय प्रभु जी। ये है हमारे अजय प्रभु जी। टेम्पल में जमा करना होगा लेकिन आप कुछ ना कुछ कमिटमेंट ले सकते हैं। जैसे आज आए थे बस की इसमें ट्रिप में तो आप आज से 2 माला 4 माला 8 माला करेंगे नियमित पूर्वक। क्या चेंजेस आपने जीवन में अपनाना चाहते हैं वो फ्यूचर लाइफ में ठीक है और उस कमिटमेंट को फॉलो भी करें ठीक है। प्रभु जी व्लॉग देखना व्लॉग आएगा ठीक है हैं व्लॉग 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 आएगा देखना ठीक है। तो देखते हैं बिल्कुल देखते हैं मेरा व्लॉग आपने देखा मेरा व्लॉग। अरे की जुड़ बोल तो अभी पहुंच गए अपने मंदिर में अभी उतरेंगे हम। पीछे एक आदमी हो सका है पीछे जो है हो सका है और कोई हो ही नहीं सका। अभी चंदन अभी चेक देख के जाएंगे। ये हमारी बस ये हमारा टेंपल पहुंच गए हैं भाई आखिरकार। अभी चंदन महोत्सव स्टार्ट हो गया है आज से तो अभी आपको दर्शन कराते हैं चंदन अभिषेक का। ये देखिए हरि बोल चंदन महोत्सव चंदन उनको डीटीज को लगा रखा है ना। देखिए गाइस आप नोटिस कीजिएगा चंदन महोत्सव चंदन लगा रखा पूरी बॉडी पे डी। ऐसे वीडियो में आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो गाइस अभी चल रहे हैं अंदर पे। ओके प्रभु जी हरे कृष्णा मिलते हैं फिर भाई। इतनी मस्त यात्रा हुई ना हमारी मजा ही आ गया। बस अभी अपने शूज पहनते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। चंदन महोत्सव का मतलब